एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक बिल्ली रहती थी। एक दिन बिल्ली ने भोजन की तलाश में पूरा जंगल घूम लिया, किंतु उसे भोजन कहीं नहीं मिला। थक हार कर बिल्ली शाम को जब वापस अपने घर लौट रही थी, तभी उसने देखा कि एक कुत्ता खरगोश को मारकर खाने जा रहा है। यह देख चालाक बिल्ली ने अपना शातिर दिमाग चलाया और कुत्ते से बोली, अरे भाई, तुम ये क्या करने जा रहे हो? कुत्ते ने बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैंने अभी अभी इस खरगोश को मारा और अब इसे मैं खाने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत या कोई परेशानी? इस पर बिल्ली बोली, अरे कुत्ता भाई, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे तो आपके जान की फिक्र हो रही थी। कुत्ता घबरा गया और बोला, क्यों, मेरी जान को क्या हुआ? मैं तो अभी ठीक ठाक तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बिल्ली तुरंत बोली, देखो कुत्ता भाई, रात होने को आई है और तुम इस मरे हुए खरगोश को खाने जा रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं, रात को मारा हुआ खरगोश खाने से जंगल के मरे हुए सारे शेरों के भूत पीछे पड़ जाते हैं और जब वो तुम्हें पकड़ लेते हैं तो खा जाते हैं। ऐसा उस लोमड़ी के साथ भी हुआ था, बेचारी को शेर के भूतों ने पकड़ कर खा लिया था। यह सुनकर कुत्ता एकदम से डर जाता है और कहता है, हे भगवान, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है और अब इस मरे हुए खरगोश का मैं क्या करूं, इसे कहां रखूं? इस पर बिल्ली बोली, कुत्ता भाई, मुझे लगता है तुम्हें रात में मरा हुआ खरगोश खाना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकती, तुम ये खरगोश मुझे दे दो, मैं इसे खा लूंगी। कुत्ता बोला, क्यों, तुम्हें भूत नहीं पकड़ेंगे? बिल्ली बोली, कुत्ता भाई, जिसने खरगोश मारा है वो इसे नहीं खा सकता, पर मैं तो खा सकती हूँ ना। बेचारा कुत्ता बोला, अरे ऐसा है तो फिर ये खरगोश तुम ले जाओ। और हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने से बचा लिया। चालाक बिल्ली बोली, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करने को तैयार रहूंगी। इसके बाद कुत्ता वहां से चला जाता है और चालाक बिल्ली मजे से खरगोश खाकर अपना पेट भर लेती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।